अली गोनी या जैस्मीन भसीन, अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर इन दोनों में से कौन इविक्ट हुआ फिनाले वीक से पहले, जैसा कि प्रोमो में दिखा रहा है कि अली और जैस्मीन इन दोनों में से एक कंटेस्टेंट जो है वो आज इविक्ट होने वाला है, और अगर आप सोच रहे हैं कि वो कंटेस्टेंट कौन है, तो मैं आपको जल्दी से जो है वो झटका दे दूं, और वो ये है कि अली गोनी घर से एलिमिनेट हो चुके हैं। अली की बाहर होने की खबरें कल रात से ही आ रही थी, इंटरनेट सोर्सेज ऐसा डाल रहे थे कि अली जो है वो इविक्ट हो चुके हैं फिनाले वीक से ठीक पहले, क्योंकि इस वीकेंड के वार पर सलमान जो है उन्होंने अनाउंस किया था सलमान खान ने कि फिनाले वीक जो है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, और अब जो है वो बैक टू बैक झटके मिलने वाले हैं कंटेस्टेंट्स को। और जो पहला झटका है वो यही है कि मिड वीक इविक्शन जो है वो कल रात हुआ, और उसमें अली गोनी जो है वो घर से बेघर हो चुके हैं। ये कंफर्म हो चुका है कि जैस्मीन और अली में से अली ही घर से बेघर हुए हैं। इसके अलावा इजाज खान जो है वो पहले फाइनलिस्ट बन चुके हैं। कल जो टास्क था जहां कंटेस्टेंट्स को अपने डार्क सीक्रेट्स रिवील करने थे, सबने अपने अपने सीक्रेट्स रिवील किए, और इस टास्क को जो है वो इजाज खान ने जीत लिया है, और इसके साथ ही वो पहले फाइनलिस्ट बन जाते हैं। लेकिन अली का जाना जो है वो डेफिनेटली शॉकिंग है, और जब से ये खबर जो है वो बाहर आ रही है, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है, ट्विटर पर लोग अली को वापस लाने के लिए भी ब्रिंग बैक अली हैशटैग जो है वो ट्रेंड करवा रहे हैं, और अली की इविक्शन को जो है वो अनफेयर बता रहे हैं। उनका कहना है कि एक बार फिर से मेकर्स ने ऐसे प्लान किया जिसमें ऑडियंस की वोटिंग को कोई महत्व नहीं दिया गया है, जैसे कि पहले से इस सीजन में होता आ रहा है। जो मेकर्स चाह रहे हैं जिसको बाहर कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं वो अंदर ला रहे हैं। फिलहाल ये खबर डेफिनेटली अली फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ नहीं है, और आज रात काफ़ी इमोशनल वे में जो है आप अली का इविक्शन देखेंगे। अली और जैस्मीन जो है वो एक टास्क हार जाते हैं, जिसके बाद बिग बॉस इन्हें कहते हैं कि आप आपसी सहमति से डिसाइड कीजिए कि कौन घर में रहेगा और कौन घर से बेघर होगा। जहाँ जैस्मीन कहती हैं कि नहीं वो जाना चाहती हैं, वहीं अली उन्हें कहते हैं कि नहीं वो जैस्मीन को जो है वो बिग बॉस जीतते हुए देखना चाहते हैं, और इसीलिए अली को चले जाना चाहिए, और म्यूचुअली दोनों डिसाइड करके अली जो है वो जैस्मीन के लिए, जो उनकी काफ़ी अच्छी दोस्त है, इस सीज़न में अली गोनी एज वाइल्ड कार्ड आए थे, और उन्होंने आते ही कहा था कि वो जैस्मीन को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और अब जैसे वो आए वैसे ही जल्दी से वो घर से बेघर भी हो गए। तो अली के जाने से कितने शॉक्ड हैं आप, और आपका क्या मानना है इविक्शन की इस प्रक्रिया को आप फेयर मानते हैं या अनफेयर मानते हैं? आपको क्या लगता है कि अली की जगह किसे जाना चाहिए, बताइए हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए। और इस वीकेंड के वार पर पवित्रा पुनिया जो है वो घर से बेघर हो गई थी, हमें पता है, और अब जो है पवित्रा से भी जुड़ी एक खबर सामने आई है। पवित्रा के जो एक्स हस्बैंड हैं यानी सुमित महेश्वरी, उन्होंने कहा है कि वो अभी भी पवित्रा के साथ मैरिड हैं, और उनका कोई डिवोर्स, लीगल डिवोर्स या सेपरेशन नहीं हुआ है, और पवित्रा उनके साथ होते हुए भी पारस छाबड़ा और प्रतीक सहजपाल के साथ उन्हें चीट कर रही थी। ये उन्होंने एक वेबसाइट को इंटरव्यू में कहा है कि वो अभी भी पवित्रा के साथ मैरिड हैं। तो बाहर जाकर भी पवित्रा पुनिया जो हैं वो सुर्खियों में तो बनी हैं, लेकिन फिलहाल अली गोनी इज़ नो मोर इन द बिग बॉस हाउस, और ये सीज़न तो मतलब थ्रू आउट सरप्राइज सीज़न ऑफ सरप्राइज बन के रह गया है। तो अली की इविक्शन के बारे में क्या राय है आपकी, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए, और मैं आपको जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। ABP News आपको रखे आगे।